इससे भी बड़ा कि जो उस गांव के लोगों में 7 जिलों की पुलिस बुलाई गई और उस जिलों की पुलिस के साथ में रैपिड एक्शन फोर्सेस बुलाए गए, धरना दे रहे लोगों पर, ताबड़तोड़ वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसी के साथ में जो अभी विभिन्न प्रकार की और भी घटनाएं घटी, तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी, सवाल यह उठता है। सवाल इसके साथ में यह भी है कि यह जो भी घटनाएं घटी, इसमें हमारे नजर पर 3 विभिन्न लोग जिम्मेदार थे, जो इस कलेक्टर वहां के, जो इस जिले के हैं टोंक का, वहां का एसपी और उसके साथ में जो एसडीएम को इस घटना को इस तरीके से अंजाम देने की जरूरत नहीं थी। कलेक्टर को बोलना चाहिए था कि आप इस तहसील को वहां पर भेज दीजिए, एक पब्लिक के नजर में एक सारी चीजें आ जाती, उस सारी चीजों को नजर में आने के लिए ये सारी चीजें घटनाएं घटती। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि जो भी चीजें घटनाएं घटी हैं आज, इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वहां राजस्थान की सरकार की है, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी की है, राजस्थान के कलेक्टर की है और टोंक के कलेक्टर की है और इसके साथ में वहां के एसपी की है। मुझे अब दोबारा फोन आया तो यह ध्यान रखें, मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूं, पूरी मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि जो तरीका कलेक्टर ने वहां पर बर्ताव किया है, जिस तरीके का वहां पर एसपी ने रात में आग के गोले जो छोड़े गए हैं, किसी भी बर्बर कितनी सारी महिलाएं बैठी थी बिना महिला पुलिस के, या किस तरीके से रात के किसी घर में, किस भारत देश के संविधान में लिखा है कि रात में फायरिंग कराई जाती है, मुझे लगता है कि यह बर्बर घटना ये आतंकवादियों के साथ हो सकती तो होती हो, पर भारत देश में जिस तरीके से वहां पर किया गया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। साथ में मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं, इस कलेक्टर को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, उस एसडीएम को तत्काल टर्मिनेट करना चाहिए और इसी के साथ में जो एसपी वहां का है, जो भी वो एसपी मैं नहीं जानता, उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर्स के ऊपर जिस तरीके से एक्शन लिया है, जनता का आप सुलझाने के बजाय आपने उलझा दिया है, पूरे जनता को आपने यह दिखाने की कोशिश किया है कि हम बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। जाहिर सी बात है भाई, आपके पास कलम है और पावर है, शक्तियां आपको दी गई है, इस शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए आपको नहीं बैठाया गया है। इस पर तत्काल चीफ सेक्रेटरी जो वहां के हैं वो एक्शन ले, वहां की सरकार एक्शन ले,